Hi everyone, welcome to my channel Concept Tech 2018 और ये Microcontroller 8051 की वीडियो सीरीज का 10.2 पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे Microcontroller का इंस्ट्रक्शन सेट जो 8051 की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। 8051 का इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो ऑपरेशन के बेसिस पे अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो उसमें हमारे पास है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस और बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। और अब हम डिटेल में इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। हम शुरू कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस यानी वो इंस्ट्रक्शंस जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें पहले कैटेगरी में है इंस्ट्रक्शन जो आरएन के कंटेंट को ए में या ए के कंटेंट को आरएन में मूव करने के लिए यूज हो रहा है, जो रजिस्टर एड्रेसिंग में है। सेकेंड कैटेगरी में हमारे पास वो मूव इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूज होते हैं इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर में या मेमोरी में या किसी रजिस्टर में मूव करने के लिए। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूज होते हैं मेमोरी लोकेशन के कंटेंट ए में या ए के कंटेंट मेमोरी लोकेशन में मूव करने के लिए, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग दोनों यूज होता है। फोर्थ कैटेगरी है जहां हमारे पास कंटेंट कहां से कहां कॉपी हो रहा है, मेमोरी लोकेशन से आरएन रजिस्टर में। एन का मतलब होता है 0 to 7 R0 to R7 रजिस्टर्स। लास्ट में हमारे पास वो इंस्ट्रक्शंस है जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज होते हैं और यहां एक्स जो स्टैंड करता है वो एक्सटर्नल मेमोरी के लिए यूज होता है, यानी जब एक्सटर्नल मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करना है तब हम ये इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो पुश और पॉप है। ये इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं स्टैक ऑपरेशन में, स्टैक पे डेटा सेव करने के लिए और वहां से डेटा रिट्रीव करने के लिए। फिर हमारे पास एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है जो बाइट को एक्सचेंज करते हैं एक्यूमुलेटर से, और वो बाइट कहां होगी, या तो रजिस्टर में होगी या किसी मेमोरी लोकेशन पे कोई बाइट होगी जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट से एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज डी जो इंस्ट्रक्शन है वो निबल को एक्सचेंज करते हैं और वो हमेशा लोअर ऑर्डर निबल को एक्सचेंज करने के लिए यूज होते हैं एक्यूमुलेटर और मेमोरी के बीच। फिर हमारे पास मूव सी इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं प्रोग्राम मेमोरी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में कॉपी करने के लिए। और लास्ट में हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी टू मेमोरी डेटा कॉपी करने के लिए यूज होता है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमारे पास एडिशन इंस्ट्रक्शंस है, एक्यूमुलेटर में इमीडिएट डेटा को ऐड करना है या एक्यूमुलेटर में रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करना है या एक्यूमुलेटर में मेमोरी के कंटेंट को ऐड करना है। तो इसमें ऐड है और ऐड विद कैरी एडीडीसी इंस्ट्रक्शन है। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस में कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी और ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो चेंज होता है, उस पर इफेक्ट आता है एडिशन ऑपरेशन से। सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन जैसा ही एग्जैक्टली है, एक्सेप्ट कि यहां सब्सट्रैक्शन होगा, एक्यूमुलेटर से कंटेंट सब्सट्रैक्ट होंगे, एक्यूमुलेटर से रजिस्टर के कंटेंट सब्सट्रैक्ट होंगे, एक्यूमुलेटर से मेमोरी के कंटेंट सब्सट्रैक्ट होंगे और इस ऑपरेशन से भी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी और ओवरफ्लो फ्लैग पे इफेक्ट होगा। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास है मल्टीप्लाई ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में रजिस्टर ए और रजिस्टर बी के कंटेंट्स में मल्टीप्लीकेशन होता है और जो रिजल्ट है वो ए और बी दोनों रजिस्टर्स में सेव होता है। लोअर बाइट ए रजिस्टर में सेव होती है और हायर बाइट बी रजिस्टर में सेव होती है। फिर हमारे पास है डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन में ए के कंटेंट डिवाइड होते हैं बी से और यहां पे डिवीजन का जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में आएगा और उसका जो रिमाइंडर है वो बी में सेव होता है। फिर हमारे पास है DAA ऑपरेशन, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। जब भी दो BCD नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट बाइनरी में आएगा, तो DAA ऑपरेशन से उस रिजल्ट को हम BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन में है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। इंक्रीमेंट यानी +1 और डिक्रीमेंट यानी -1। अगर इनिशियल वैल्यू FFH है तो इंक्रीमेंट से रिजल्ट जो है वो जीरो आएगा, लेकिन इससे कैरी फ्लैग सेट नहीं होता है। सिमिलरली डिक्रीमेंट के साथ भी है, अगर कंटेंट 0-0 है
और माइनस वन करेंगे तो FF आएगा, लेकिन कैरी फ्लैग यानी बोरो सेट नहीं होता है। फिर है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास है एंडिंग इंस्ट्रक्शन और इस स्लाइड में है ओरिंग इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल एंडिंग और ओरिंग होती है एक्यूमुलेटर की डायरेक्टली डेटा के साथ, मेमोरी कंटेंट के साथ, रजिस्टर के साथ और डेटा की डायरेक्ट मेमोरी के साथ भी एंडिंग और ओरिंग हो सकती है। और रिजल्ट जो है वो हमेशा डेस्टिनेशन में स्टोर होता है और कंटेंट जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन के आपस में एंड या लॉजिकली और होते हैं। सिमिलरली हमारे पास है जोरिंग ऑपरेशन, एक्सोरिंग ऑपरेशन। यहाँ पे भी वही है, लॉजिकल एक्सोरिंग होगी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच और रिजल्ट कहाँ आएगा, रिजल्ट हमेशा डेस्टिनेशन में आएगा। जैसे XRL A हैश डेटा है तो डेटा और एक्यूमुलेटर के कंटेंट में एक्सोरिंग होगी और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंटिंग है, लॉजिकल नॉट है, तो कॉम्प्लीमेंट A है, कॉम्प्लीमेंट कैरी है या कॉम्प्लीमेंट बिट है जिसका एड्रेस यहां पे स्पेसिफाइड होता है। फिर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में हमारे पास है स्वैपिंग, स्वैप ए लोअर निबल और अपर निबल स्वैप हो जाती है। फिर हमारे पास रोटेट इंस्ट्रक्शन है, रोटेट एक्यूमुलेटर या रोटेट एक्यूमुलेटर विथ कैरी है, राइट और लेफ्ट दोनों। जब विथ कैरी रोटेशन होता है तो कैरी बिट मॉडिफाई होती है और कैरी बिट शिफ्ट होके एलएसबी या एमएसबी में आ जाती है डिपेंडिंग ऑन राइट या लेफ्ट रोटेशन की। फिर हमारे पास है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन जंप से रिलेटेड। तो जंप में हमारे पास है शॉर्ट जंप, एब्सोल्यूट जंप और लॉन्ग जंप। ये तीनों हम एड्रेसिंग बोर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट जंप में वो जंप करता है प्लस 127 से माइनस 128 लोकेशन में, एब्सोल्यूट में 2K ब्लॉक में जंपिंग हो सकती है और लॉन्ग जंप में 64K की मेमोरी लोकेशन में कहीं भी जंप कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कॉल इंस्ट्रक्शन है, कॉल में हमारे पास एब्सोल्यूट कॉल है और लॉन्ग कॉल है। कॉल के साथ रिटर्न इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड होता है जो प्रोग्राम के कंट्रोल को मेन रूटीन में ले जाता है। रिटर्न में हमारे पास रिटर्न आई भी है, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। तो इंटरप्ट सब रूटीन एग्जीक्यूट होने के बाद हम मेन रूटीन पे चले जाएंगे यूजिंग RETI। यहाँ शॉर्ट जंप की एक और कैटेगरी है, वो है कंडीशनल जंप की। तो कंडीशनल जंप में वो बिट के या कैरी के या एक्यूमुलेटर के कंटेंट चेक करता है और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो जंप कर जाता है। ये सारे शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर लास्ट में हमारे पास है बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में हमारे पास पहला है लॉजिकल एंडिंग। तो कैरी के कंटेंट किसी पर्टिकुलर बिट एड्रेस के पर्टिकुलर बिट के कंटेंट जिसका एड्रेस स्पेसिफाइड है इंस्ट्रक्शन में उसके साथ एंडिंग होती है। सिमिलरली हमारे पास ओरिंग इंस्ट्रक्शन है। फिर हमारे पास क्लियर और सेट इंस्ट्रक्शन है कैरी के लिए और स्पेसिफिक बिट के लिए, जो रैम की बिट एड्रेसेबल मेमोरी है उसमें से किसी स्पेसिफिक बिट के लिए। यहाँ जो जहां भी बिट लिखा हुआ है वो बिट का एड्रेस स्पेसिफाई करता है। लास्ट में हमारे पास है मूव सी बिट और मूव बिट सी, यानी कैरी के कंटेंट पर्टिकुलर बिट एड्रेस पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं और वाइस वर्सा ऑपरेशन भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 9 यानी मेमोरी इंटरफेसिंग के कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे, उसके आंसर्स हैं। यू कैन गो थ्रू द आंसर्स एंड चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग। तो वी हैव फिनिश्ड द इंस्ट्रक्शन सेट एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज टू बी एन एक्सपर्ट इन माइक्रो कंट्रोलर। थैंक यू।